और अब राजधानी भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां विवाहिता से रेप और धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। रेप के बाद धर्म परिवर्तन कराने का मामला भी अब इस पूरे केस को लेकर उजागर हुआ है। कोहफिजा पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज कर लिया है। कृष्णपाल और सावित्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। मुस्लिम महिला से रेप और धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला सामने आया है। राजधानी भोपाल की पूरी घटना है, विवाहिता से रेप हुआ, धर्म परिवर्तन का भी इसमें एंगल अब सामने आ रहा है। रेप के बाद धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया गया। कोहफिजा पुलिस ने केस दर्ज किया है। कृष्णपाल और सावित्री के खिलाफ ये पूरा मुकदमा दर्ज हो चुका है। पहले महिला के साथ रेप और उसके बाद अब धर्म परिवर्तन के एंगल को लेकर भी पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई, तथ्य खंगालने की कोशिश। आरोप कई सारे हैं लेकिन हकीकत क्या है इसकी जांच फिलहाल पुलिस के हाथों। राजधानी भोपाल की चूंकि पूरी घटना है, इसे लेकर पहले भी विवाद बढ़ता रहा, लेकिन अब चूंकि धर्म परिवर्तन का एंगल भी सामने आया है, तो हो सकता है पुलिस अब और गंभीरता से इस पूरे मामले पर जांच करे। सहयोगी जितेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, अभी तक क्या कुछ खुलासे इस पूरे मामले को लेकर और आगे किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अगर बात करें तो ये कोहफिजा थाना पुलिस का पूरा मामला है, जहां पर जो आरोपी है कृष्णपाल और सावित्री, इनके खिलाफ 376 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन पर आरोप है कि जो है असम नागालैंड से एक महिला को ये लेकर आए थे 4 साल पहले, और उसे शादी का झांसा दिया गया, उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, मारपीट की जा रही थी। इसके तहत कोहफिजा पुलिस ने मामला दर्ज किया और पूछताछ की जा रही है। निश्चित तौर पर जितेंद्र, अब चूंकि पुलिस के हाथों में ये पूरी जांच है, लेकिन धर्म परिवर्तन के एंगल का खुलासा 4 साल बाद इस तरह की खबर सामने आती है, क्या तथ्य अभी तक सामने आए हैं इससे जुड़े? देखिए, अगर बात करें तो जो पीड़िता है, महिला है, उसका नाम अक्षा बताया जा रहा है। उसने आरोप लगाया कि जो आरोपी कृष्णपाल है, उसने उसे कहा था कि उस शादी का झांसा दिया था और उसे भोपाल लेकर आया था, और नागालैंड की रहने वाली, असम की रहने वाली महिला है, और उनके साथ जो सावित्री नाम की महिला है, इन दोनों ने मिलकर उसे प्रताड़ित किया, उसको अपना जो नाम बदलकर यहाँ पर भोपाल में रहने पर मजबूर किया। इन सारी चीजों के तहत पुलिस ने मामला किया, दर्ज किया है। और महिला को ये लोग असम से लेकर आए थे, बताया जा रहा है कि उसे धर्म परिवर्तन कराने का दबाव डाला गया, और उसको महिला का मूल नाम अक्षय बताया जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका जितेंद्र इस जानकारी के लिए।